सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ कश्मीर प्रदेश प्रेसिडेंट अरुण भल्ला साहब, योगेश सानी साहब भी यहाँ बैठे हैं, वो भी सारे साथी। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का जो हमारा आज मतलब था, वो ये था कि ये जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं कश्मीर, वो काफ़ी देर से परेशान हैं। और कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उनका माल जो फ्रूट जो गाड़ियां लदी हुई गाड़ियां हैं फ्रूट से, वो 10-10, 20-20 दिन से नेशनल हाईवे पे खड़ी हैं और उनको जम्मू आने की परमिशन नहीं मिल रही, ताकि वो जम्मू से आगे दिल्ली जाएं और दूसरी स्टेटों में जो अपना माल मुंतकिल करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये यही सीज़न जो है वो फ्रूट का सीज़न होता है, और फ्रूट की गाड़ियां ज़्यादातर इसी सीज़न में मूव करती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है इस वक्त, कि इमीडिएटली डायरेक्शंस पास किए जाएं और जो गाड़ियां दरमांदा है, खासकर फ्रूट की गाड़ियां, बनिहाल में, गाजीगुंड में, जहाँ जहाँ भी रोक के रखा है उनको, उनको इमीडिएटली जो है पास कराया जाए, और ताकि वो अपना माल अपनी जगह पे पहुँचाए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ख़राब होने वाली है। ये अगर ज़्यादा देर गाड़ियों में रहे तो ये माल खराब हो जाता है, और अगर ये थोड़ा सा खराब माल पहुँच गया दिल्ली की मंडियों में या किसी भी और जगह मंडी में, तो इसको लेने वाला वहाँ पे कोई खरीदार मिलेगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में जो बाकी इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो है नहीं, इंडस्ट्रियाँ हैं नहीं वहाँ पे। और वैसे भी हमारी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है इस वक्त 32% हो चुका है। ये जो लोग थे, काफ़ी लोग, चाहे शुपया में हो, अनंतनाग में हो, पुलवामा में हो, कश्मीर के किसी भी पार्ट से, ये लोग अपना माल भर के बाहर ले जाते थे और इससे इनका गुजारा होता है। और ये भी मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, चाहे फ्रूट में सेब हो या अखरोट हो, अखरोट हमारे बनिहाल में नंबर वन निकलता है जेडी में, इसकी रेट भी जो है वो ठीक नहीं आ रही है, जैसे पिछले 50 साल में इनका रेट जो, या अखरोट हो, अखरोट हमारे बनिहाल में नंबर वन निकलता है जेडी में, इसकी रेट भी जो है वो ठीक नहीं आ रही है, जैसे पिछले 50 साल में इनका रेट जो है हमेशा चढ़ता था, लेकिन इस साल आधा रेट इनको मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि चेक कर लीजिएगा कि अगर एक ग्रोवर जो है पैसा लगाता है अपने बाग में, मेहनत करता है, बाद में उसको पैसा जो उसने लगाया होता है उससे भी कम पैसा मिले, वो घाटे पे है, इसको कि परेशान है, रेटें ही नहीं मिल रही, तो उसको भी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की ऐसी पॉलिसियां हैं हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को लेके, जो वॉलनट का कारोबार कर रहे हैं उनको लेके, जिससे हमारा वॉलनट वाला जो किसान का जो अखरोट उगाता था या सेब उगाने वाला किसान था, वो भी खत्म हो चुका है, उसकी भी हालत खराब हो चुकी है। कभी 2-4-5 साल से वॉलनट का भी रेट नहीं आ रहा है, अखरोट का भी रेट नहीं आ रहा है, और सेब का भी रेट इस साल बिल्कुल डाउन हो गया है। इन चीज़ों को भी देखने की जरूरत है। तो मैं यही कहूँगा, और आज की प्रेस ब्रीफिंग में अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इमीडिएटली इनका मसला सॉल्व किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम फ्रूट ग्रोवरों के साथ प्रोटेस्ट पे भी निकलेंगे और सड़कों पे भी आ जाएंगे। फिर जो जिम्मेवारी होगी वो रियासत जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो मैं यही आज की यही प्रेस ब्रीफिंग थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।